स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, भीड़ में हमारे प्यारे कार्यकर्ता, शेर और शेरनिया, भाइयों और बहनों, मध्य प्रदेश के युवाओं, माताएं बहनें, किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। अब यात्रा मध्य प्रदेश से निकलने वाली है, कन्याकुमारी में शुरू हुआ, केरला, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, महाराष्ट्र, अब मध्य प्रदेश, और इसके बाद ये यात्रा राजस्थान, हरियाणा होकर दिल्ली पहुंचेगी और फिर श्रीनगर तक ये यात्रा जाएगी और वहां पे हमारा जो तिरंगा है उसको हम फहराएंगे। मगर ये जो यात्रा है ये कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है। जरूर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इसमें भाग ले रहे हैं, चल रहे हैं, मगर अब यह यात्रा हिंदुस्तान की गरीब जनता, किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा, छोटे दुकानदार, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोगों की यात्रा हो गई। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अगर मैं दोहराता रहता हूं, अगर आप स्टेज पे देखें, हमारे कार्यकर्ताओं से बात करें, हमारे नेताओं से बात करें, तो सब आपको बताएंगे 8 घंटे चलने के बाद 25-26 किलोमीटर चलने के बाद, 6-7 घंटे चलने के बाद किसी को यहां थकान नहीं हुई। थकान क्यों नहीं हो रही? क्योंकि हम अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आपने अपने प्यार को हमें दिया, पूरी की पूरी शक्ति मध्य प्रदेश के युवाओं ने, किसानों ने, मध्य प्रदेश के माताएं बहनों ने पूरी की पूरी शक्ति इस यात्रा में डाल दी और इसीलिए हमें थकान नहीं है। और ऐसी भीड़ हर शहर में, हर कस्बे में, सड़कों पर दिखाई दे रही है। तो यात्रा का लक्ष्य क्या है? हमने यात्रा शुरू क्यों की? बीजेपी के लोगों ने कहा क्या टूटा है? देखिए, सड़क पे मैं लाखों लोगों से मिला, हजारों कहना चाहता था मगर नहीं, हजारों से नहीं, लाखों लोगों से मैं मिला, किसानों से, मजदूरों से, बच्चों से, सबसे। आप किसानों से बात करो सीधा, आपको 3-4 चीजें कहते हैं, यूरिया नहीं मिलता, डीएपी नहीं मिलता, जब मिलता है बहुत महंगा हो गया है, हम बीमा का पैसा भरते हैं, तूफान आता है, आंधी आती है, नुकसान हो जाता है, खेत बर्बाद हो जाता है, बीमा वाली प्राइवेट कंपनी मिलती नहीं है, ना इंटरनेट पे मिलती है, ना टेलीफोन पे मिलती है, सही दाम नहीं मिलता, हमारा कर्जा माफ कभी नहीं होता। और पूछते हैं
पूछते हैं, किसान पूछते हैं, राहुल जी हमें आप एक बात समझाइए, हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ हो जाता है, बैंक के सामने लाल कालीन लग जाता है और हमारा 50,000 रुपए का लोन 1,00,000 रुपए का लोन माफ नहीं होता, क्यों? हमने क्या गलती की, हम में क्या कमी है? ये हजारों किसानों ने मुझसे पूछा है। दूसरी तरफ आप युवाओं से बात करो, कहेंगे इंजीनियरिंग की, माता पिता ने पूरा का पूरा पैसा जो था उनके पास शिक्षा में डाल दी, प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट यूनिवर्सिटी में पैसा डाला, इंजीनियर बनने का सपना था, पास हुए, पता लगा हिंदुस्तान में इंजीनियर नहीं बनता है, इंजीनियर जाके सड़कों पर मजदूरी करता है। छोटे दुकानदारों से पूछो, कहते हैं राहुल जी नोटबंदी ने जीएसटी ने हमारे बिजनेस को धंधे को खत्म कर दिया है। दो दिन पहले छोटे व्यापारी आए, कहते हैं राहुल जी रास्ता साफ किया जा रहा है, रास्ता साफ किया जा रहा है। मैंने पूछा किसके लिए, कौन सा रास्ता साफ किया जा रहा है? कहते हैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है, हमें उठा के परे किया जा रहा है। और फिर जहां भी इनको मौका मिलता है एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाते हैं, एक जात को दूसरे जात से लड़ाते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से लड़ाते हैं, स्टेट को लड़ा देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, परिवार में लड़ाई होती है, भाई भाई के बीच में लड़ाई होती है तो परिवार का फायदा होता है या नुकसान? तो अगर परिवार का नुकसान होता है जब भाई भाई की लड़ाई होती है, तो फिर देश में जब भाई भाई की लड़ाई होती है तो फिर देश का क्या होगा, फायदा या नुकसान? एक तरफ कहते हैं हम नेशनलिस्ट हैं, हम देशभक्त हैं, और दूसरी तरफ नफरत फैलाते हैं, भाई से भाई की लड़ाई कराते हैं, और जो हमारी देश की रीढ़ की हड्डी है, जो रोजगार देती है, किसान, छोटे व्यापारी, स्मॉल मीडियम बिजनेस चलाने वाले, उनको खत्म कर देते हैं, रीढ़ की हड्डी को तोड़ देते हैं। मध्य प्रदेश में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता, कुछ भी कर लो आप, मध्य प्रदेश के युवाओं को, बाकी हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि सारे के सारे रास्ते बंद कर दिए। देखिए ये जो इनके 2-3 उद्योगपति मित्र हैं, आपने नाम नहीं कहा, ये इनके जो 2-3 लोग हैं, मित्र हैं, ये हिंदुस्तान को रोजगार नहीं दे सकते हैं, इनकी बस की नहीं है। हिंदुस्तान को रोजगार छोटे दुकानदार, किसान, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाने वाले लोग, लाखों लाखों बिजनेसेस देते हैं। इन सबको खत्म कर दिया, बंद कर दिया, सबसे बड़ा रास्ता बंद कर दिया। दूसरा रास्ता पब्लिक सेक्टर, रेलवे, BHEL, HEL, ये रास्ता था। सारी की सारी पब्लिक सेक्टर की कंपनियों को ये बेच रहे हैं, उन्हीं 2-3 लोगों के हवाले कर रहे हैं, तो वो भी रास्ता बंद। तीसरा रास्ता सरकार में नौकरी रोजगार, स्कूलों में, सरकारी अस्पतालों में,
वो भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है। आज भी एक बच्ची आई मेरे पास, मेरे साथ चली, कहती है राहुल जी मेरे स्कूल में तो टीचर ही नहीं है, मैं स्कूल जाती हूं पढ़ने जाती हूं टीचर ही नहीं है, सामने ब्लैक बोर्ड के सामने बैठ जाते हैं और घर चले आते हैं। यह है मध्य प्रदेश की शिक्षा। अच्छा, बहुत लोगों से मिला हूं, एक पंडित जी आए, सुनिए सबसे मजेदार बात आपको बताता हूं, नहीं सही ठहरिए, सुनिए सुनिए सबसे मजेदार बात, पंडित जी आते मेरे पास और बहुत गहरा सवाल किया उन्होंने मुझसे, पहले समझाया, कहते हैं राहुल जी जो भगवान राम थे वो तपस्वी थे, उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी तपस्या में डाल दी, सही या गलत? सही बात, ठीक है। फिर उन्होंने कहा गांधी जी हे राम कहते थे, गांधी जी का नारा था हे राम। हे राम का मतलब क्या बताइए? जब गांधी जी कहते थे हे राम, उसका मतलब क्या था? चुप हो गए? नहीं, हे राम का मतलब राम एक जीने का तरीका थे, एक जीने के तरीके का तरीका था। राम सिर्फ एक, भगवान राम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, एक जिंदगी जीने का तरीका था। प्यार, भाईचारा, इज्जत, तपस्या, उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया, जीने का तरीका दिखाया। और गांधी जी जब हे राम कहते थे, उनका मतलब था जो भगवान राम है वो भावना हमारे दिल में है और उसी भावना को लेकर हमें जिंदगी जीनी है। ये है हे राम। दूसरा नारा, फिर उन्होंने कहा देखिए एक नारा हे राम, सुनो सुनो डिस्टर्ब मत करो, एक नारा हे राम मतलब जिस प्रकार से भगवान राम ने अपनी जिंदगी जी, जो उन्होंने तपस्या किया की, जो उन्होंने समाज के लिए काम किया, जो उन्होंने प्यार फैलाया, भाईचारा फैलाया, वैसे ही अपनी जिंदगी जीना। दूसरा नारा जय सियाराम, जय सियाराम। अब जय सियाराम का मतलब क्या है ये पंडित जी ने मुझे बताया, सिखाऊं मैं, यात्रा पे बहुत कुछ सिखाऊं। जय सियाराम का मतलब क्या है? दिग्विजय जी ताली बजा रहे हैं। जय सियाराम का मतलब जय सीता जय राम। मतलब क्या? कि सीता और राम एक ही हैं, सीता और राम एक ही हैं, इसलिए नारा है जय सियाराम या जय सीताराम। सही, मतलब जो राम के जीने का तरीका था, जो उन्होंने सीता के लिए किया, भगवान राम ने सीता के लिए क्या किया आप जानते ही नहीं हो क्या? क्या किया? जाके सीता की इज्जत के लिए, सीता के लिए लड़े। सही, तो जब हम जय सियाराम कहते हैं, हम सीता की याद करते हैं और समाज में जो सीता की जगह होनी चाहिए उसकी आदर करते हैं। सही, जय सियाराम या जय सीताराम। तीसरा नारा जय श्री राम,
उसमें हम राम भगवान की जय करते हैं। पंडित जी ने मुझसे पूछा, मुझसे कहा कि आप अपनी स्पीच में पूछिए कि बीजेपी के लोग जय श्री राम करते हैं मगर कभी जय श्री राम और हे राम क्यों नहीं करते। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत गहरी बात बोली, क्योंकि वो सबसे पहले आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, क्योंकि वो सबसे पहले जिस भावना से राम ने अपनी जिंदगी जी, उस भावना से अपनी जिंदगी नहीं जीते हैं। क्योंकि राम ने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, राम ने समाज को जोड़ने का काम किया, राम ने सबको इज्जत दी, भगवान राम ने किसानों को, मजदूरों को, व्यापारियों को, सबकी मदद की। सही, ठीक है। तो जो उनकी भावना थी, जो उनका जीने का तरीका है, उसको आरएसएस के लोग और बीजेपी के लोग नहीं अपनाते। और तीसरा नारा, शायद सबसे जरूरी नारा, वो सिया राम जय श्री राम तो कर ही नहीं सकते क्योंकि उनके संगठन में एक महिला नहीं है। तो वो जय सिया राम का संगठन ही नहीं है क्योंकि उनके संगठन में महिला तो आई नहीं सकती, सीता तो आई नहीं सकती, सीता को तो बाहर कर दिया। अब ये बहुत गहरी बात मध्य प्रदेश के एक पंडित जी ने सड़क पे मुझे कही, कैसी लगी आपको? बढ़िया लगी। तो हमारे जो आरएसएस के मित्र हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जय श्री राम जरूर, जय सिया राम और हे राम, तीनों का प्रयोग कीजिए और सीता जी का अपमान मत कीजिए। अच्छा, अब यात्रा का एक और लक्ष्य, मैंने बेरोजगारी की बात की, थोड़ी सी मैं महंगाई की भी बात बोल देता हूं। पेट्रोल के दाम यूपीए के समय क्या थे? 60 रुपए, आज क्या है? 107। गैस के सिलेंडर कितने का आता था? 400। आजकल देखो भैया, अपना एक हाथ, मतलब तीन हाथों की जरूरत है। तो ये जो पैसा आपकी जेब में से निकल रहा है, जा कहां रहा है? पैसा गायब तो नहीं होता। आपको जब पैसा मिलता है, आप अगर उस पैसे को ऐसे रख के गिराते तो गायब तो नहीं होता ना, आपके जेब में से कहीं और जाता है ना। आप किसी दुकानदार को देते हो तो पैसा घूमता है। तो जब ये पेट्रोल का पैसा आपके जेब में से निकल रहा है, डीजल का पैसा निकल रहा है, गैस सिलेंडर का पैसा निकल रहा है, ये कहां जा रहा है? ये आसमान में तो नहीं जा रहा, समुद्र में तो नहीं जा रहा, हिंदुस्तान के सबसे बड़े 2-3 अरबपतियों के हाथ जा रहा है। वो कुछ भी कर सकते हैं भाई और बहनों, सड़क बनवा सकते हैं, पोर्ट खरीद सकते हैं, एयरपोर्ट उनके, सेलफोन उनका, माइक्रोफोन देखूंगा शायद उनका नाम इसमें मिल जाए, इसको इसके नीचे देखूंगा, देखो यहां भी उनका नाम मिल जाएगा, जूते में देखो वहां भी उनका नाम, लाउडस्पीकर पे उनका नाम। तो दो देश बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, उसमें जो भी करना कर लो, जो भी सपना है देख लो, और दूसरा बाकी हिंदुस्तान गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, छोटे दुकानदारों का, उसमें आप बेरोजगार रहो, महंगाई के अंदर डूबो, ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए।
हमें न्याय का हिंदुस्तान चाहिए, और इसलिए यात्रा श्रीनगर में जाकर तिरंगे को लहराएगी। आपने अपना प्यार दिया, मोहब्बत दी, दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।